नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सगले जंत। इस संसार अंदर जिन्ने भी जीव पैदा किए ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने, सारे उस वाहिगुरु के आसरे हन, वाहिगुरु जी के सहारे ते संसार ते खड़े ने। क्योंकि आप बचन पढ़ते हाँ, सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। वाहिगुरु जी ने जिथे भांत भांत के जीवां नूं साजिया उत्थे उन्हां दा रिजक उहदा भी इंतजाम वाहिगुरु जी ने आप कीता है। जीव दे पैदा होण तों पहलां वाहिगुरु जी ने उहदा रिजक लिख दिता। ते दूजी गल, जीव दे संसार ते आउण तों पहलां ही उहदी जिहड़ी मौत है उह भी वाहिगुरु जी ने निश्चित कर दित्ती है। दो गल्लां पहलां ही आपां लिखा के संसार ते आया, इक रिजक ते दूजा मौत। मरन लिखाए मंडल में आया। जिन्ने भी जीव आपां वेखदे आ सारे उस वाहिगुरु दे सहारे संसार ते विचरे ने। वाहिगुरु जी दा सहारा है। वाहिगुरु जी ने हरेक दे खाण दा पहनण दा इंतजाम कीता होया है। सारिआं नूं वाहिगुरु जी दा ही सहारा है। नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, जगत दे जिन्ने भी भाग हिस्से ने, भाव कहण तों भाव जिन्नी भी सृष्टि है, समुचा संसार, समुचे देश, ये सारे उस वाहिगुरु दे आसरे टिके हुए ने। समुचा संसार जिन्नी भी सृष्टि है वाहिगुरु जी दे सहारे टिकी हुई है। कह सकते हाँ भी परमेश्वर दे हुक्म तों बार ये संसार अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलदा। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਹਨ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, हुण ज्ञान दीआं गल्लां सुननियां, प्रभु चरणां विच सुरत जोड़नी, इह भी वाहिगुरु जी दे आसरे ही है। क्योंकि वाहिगुरु जी दी जदों साडे ते किरपा हुंदी है, वाहिगुरु जी जदों किसे भी जीव ते अपनी रहमत बख्शिश करदे ने, उदों ही जीव चंगीआं गल्लां सुणदा। नहीं तां मनुख नूं आम करके चुगली निंदिया ही चंगी लगती है सुनन नूं, पर जदों वाहिगुरु जी दी कृपा हो जाए फिर परमात्मा दी सिर्फ सलाह दीआं गल्लां सुणदा है। ते प्रभु चरणां विच जिहड़ी सुरत जुड़नी है, गुरु साहिब आखदे ने उह भी वाहिगुरु जी दी कृपा सदका ही है। नाम के धारे आगास पाताल, नाम के धारे सगल आकार। आगास तों भाव आकाश, सारे आकाश पाताल। आपां दा केवल इत्थों तक ही सीमित है, यही जानदे हां एक आकाश है, एक पाताल है जो सानू नजर आउंदा है। पर गुरु साहिब आखदे ने पता नहीं किन्ने आकाश हन, इहो जे किन्नियां धरतियां, किन्ने पाताल हन जो सारे प्रभु दे आसरे ते खड़े ने। क्योंकि बचन आपां पढ़दे हां पातालां पाताल लख आकाशां आकाश, वाहिगुरु जी दे आसरे ते ही ने। नाम के धारे सगल आकार, आकार तो भावे स्वरूप शरीर, सारे शरीर ही प्रभु दे आधार ते हन। कहण तो भाव सारे शरीरां नूं प्रभु दा ही आसरा है। 84 लाख जूना गुरबाणी ने मनिया ने, आपां वेखदे आं अणगिणत भांत भांत दे जीव वाहिगुरु जी ने वख वख शकल रूपां वाले, वख वख रंगां वाले जीव वाहिगुरु जी ने साजे ने, पर सारिआं नूं वाहिगुरु जी दा ही आसरा है। अगे कृपा कीती है, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उधरे सुन सरवन। सतगुरु जी ने समझाउणा कीता है
तिने भवन ते 14 लोक अकाल पुरख वाहिगुरु टिकाए हुए हैं। ज्ञान तो भाव समुचा संसार सारा जगत उस वाहिगुरु दे आसरे टिकया होया। वाहिगुरु जी दे आसरे समुचे जीव चल रहे ने। उस वाहिगुरु दे हुक्म च वज्जे सारे जीव कार विहार कर रहे ने। अगे कृपा कीती है नाम कै संग उदरे सुन सुन जीव प्रभु विच सुरत जोड़ के उसका नाम अपने कन्ना राही सुनना। देखो परमेश्वर का जिहड़ा नाम जपना है सुनना है ये वाहिगुरु जी की कृपा तो बगैर संभव नहीं। नाम कै संग उदरे सुन सरवन विकारां तो जीव बच रहे ने। जीवां दा पार उतारा हो रहा है। जीव वाहिगुरु जी चरणा विच सुरत जोड़ के अपने कन्ना राही वाहिगुरु जी दे पवित्र नाम नूं सुन रहे ने। ते नाम सुन सदका नाम दी बरकत दे नाल विकारां तो जीव बच रहे ने। कह सकते हैं भी नाम सुन के ही विकारां तो बचिया जा सकता है। कार कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। कार कृपा जिसनू मेहर करके वाहिगुरु जिन्हू बख्शिश करके अपने नाम विच जिहदी सुरत जोड़दा है। पहले ही अर्ज कर दिते भी वाहिगुरु के चरणा विच सुरत वाहिगुरु जी दे कृपा दे नाल ही जुड़दी है। जिस उत्ते वाहिगुरु जी ने अपनी मेहर कर दिती जिहदे उत्ते कृपा कर दिती है ओह जीव अपनी सुरत वाहिगुरु जी दे चरणा विच जोड़दा है। नाम विच उसे जीव दी सुरत जुड़दी है। कर कृपा जिस आपने नाम लाए जिसनू अपने नाम वाले पासे लाउंदा है भी जिन्हू नाम की दात बख्शे जिदे को नाम जपाए ओही जीव वाहिगुरु जी का नाम जपता है। नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। हे नानक ओ मनुख जिने अपनी सुरत वाहिगुरु जी दे नाम च जोड़ी है माया दे असर तो देखो गल समझण वाली है। माया दे असर तो परे चौथे दर्जे विच अपड़ के उच्ची अवस्था प्राप्त कर लैंदा है। आम करके अपन संसारिक जीव मोह माया विच उलझे हुए आ मोह माया विच फसे हुए आ पर जदों सुरत प्रभु चरणा विच जुड़दी है ओ जीव चौथे दर्जे विच कहण तों भाव उच्ची अवस्था परम अवस्था नूं प्राप्त कर लैंदा है जिते ना कोई चिंता फिकर ना ही कोई फुरना। केवल तो केवल उत्थे वाहिगुरु जी दे नाम विच सुरत जुड़दी है ते मनुख उन्हां अनाहत धुनां नूं सुणदा है जिन्हां नूं आम करके आपां नहीं सुन सकदे। विस्मादी धुनां नूं मनुख सुणदा है जिस अवस्था विच पहुंच के जिन्हूं सुन अवस्था भी आख्या जिथे मन टिक जांदा है मन दे सारे फुरने खत्म हो जांदे ने। रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान। देखो सतगुरु जी ने सानू बहुत सोहने ढंग नाल समझाउणा कीता है रूप सत जाका सत अस्थान। जिस वाहिगुरु दा रूप ते टिकाणा सदा थिर रहण वाला है क्योंकि केवल ता केवल वाहिगुरु परिपूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है नास रहत है। बाकी जिन्ना भी अपन संसार वेखदे आ इह सारा काल दे अधीन चल रहा है। सारिआं ते काल दा प्रभाव है क्योंकि बचन आप पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। केवल ता केवल वाहिगुरु अविनाशी सदा कायम रहन वाला है। सतगुरु जी आखते हैं जिस वाहिगुरु जी का रूप ते टिकाणा रूप सत जाका सत अस्थान अस्थान तो भाव टिकाणा ओ सदा कायम रहन वाला है क्योंकि आप ओ अविनाशी है उदा टिकाणा भी अविनाशी है। पुरख सत केवल प्रधान प्रधान तो भाव है मन्या परमन्या सब तो श्रेष्ठ केवल ओही सर्व व्यापक जो सारे विच वसिया होया है प्रभु जिदा मेरा परे हाथ सारे जीवां ते सिर ते है। पुरख सत केवल प्रधान प्रभु ही सब तो श्रोमणी है ओही सर्व व्यापक है
ते प्रभु दा मेरा परया हाथ सारे जीवन दे सिर ते है। करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समान। करतूत तो भाव है काम। सानू समझाउणा कीता भी अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्रभु सब जीवां विच बोल रहा है, सब जीवां विच जो वसिया होया है उसके काम भी अटल ने। सत पुरख सब माहे समान जिस सदा अटल अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी सब जीवां विच रमी हुई है, वह वाहिगुरु सब जीवां विच वसिया होया रमिया होया। सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत्त। जिस वाहिगुरु जी की रचना मुकम्मल है भाव अधूरी नहीं। मूल सत सत उत्पत्त जो प्रभु मूल रूप सदा अस्थिर है, जो सारे जगत का मूल है, जिसकी पैदाइश भी मुकम्मल है, उसकी बख्शां भी सदा कायम रहने वाली है। क्योंकि आपां बचन पढ़ते हाँ राजा ते भेखारी भेखारी ते राज करावे। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਲ ਸਿਦਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਤ ਨਿਰਤ ਬੁੱਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਨਿਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ।
क्योंकि प्यार बन गया, श्रद्धा बन गई, नाम जप के ओ मनुख उच्ची आत्मक अवस्था नु प्राप्त कर लैंदा है, परम अवस्था नु हासिल कर लैंदा है। अगे कृपा कीती है, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, प्रभु आप सदा कायम रहन वाला है, ते उसका पैदा किया होया जगत भी सचमुच होंद वाला है, भाव मिथ्या नहीं, ओ आप सच्चा है, हरेक वस्तु जो उसने रची है ओ भी सच है, आपे जाने अपनी मित गत, प्रभु अपनी अवस्था ते मर्यादा नु आप जानदा है, क्योंकि ओ बेअंत है, ओदा कोई अंत नहीं पा सकिया ते ना ही किसने पाउणा, उस बेअंत नू कोई पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकता, ओ अपनी अवस्था अपने आप जानदा है, भी किहो जिहा किन्ना वड्डा वचन आपां पढ़दे आ, सुन वड्डा आखै सब कोई, एवड वड्डा डिठा होए, अगे कृपा कीती है, जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवर ना बूझ करत विचार, जिस प्रभु दा रचिया होया सारा जगत है, संसार है, करने हार तो भाव ओ आप इसनु बनाउण वाला है, सिरजन वाला है, अवर ना बूझ करत विचार, किसे होर नु इस जगत दा ख्याल रखण वाला भी ना समझो, क्योंकि उन्ने आप जगत नु रचिया है, जीवां नु साजिया है, ते जीवां दा ख्याल भी ओ आप ही रख रहे है, आप ही सारयां दी देखभाल कर रहे है, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, किया तो भावै पैदा कीता होया जीव, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी बुजुर्गी दा अंदाजा उसका पैदा किया होया जीव बंदा नहीं ला सकता, क्योंकि बेअंत है, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, ते नानक ओही कुछ वर्तदा है, ओही कुछ संसार ते हुंदा है, जो उस प्रभु नु पौंदा है, चंगा लगदा है। अगे कृपा कीती है, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया सुवाद, बिस्मन बिस्म तो भाव हैरान तो हैरान, जिस जिस मनुख ने प्रभु दी बुजुर्गी नु समझिया है, जानन दा यत्न कीता है, उस नु आनंद आ गया, जिन बुझिया तिस आया सुवाद, वड्याई तक के वाहिगुरु जी दीयां वड्याईयां रहमतां नूं वेख के ओ बड़े हैरान ते अचरज होए ने, जिन्हां ने वाहिगुरु दी बुजुर्गी नूं समझिया, जिन्हां दा वाहिगुरु जी दे नाल प्यार बणिया, प्रभु कै रंग राज जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ रहे, राज रहे तो भाव मस्त रहिंदे हन, वाहिगुरु जी दे दास वाहिगुरु जी दे प्यार विच मस्त रहिंदे ने, नाम जप के परम आनंद विच ओ संसार ते विचरदे ने, हर वक्त उन्हां दे हिरदे विच परम आनंद बणिया रहिंदा है, गुर कै बचन पदार्थ रहे, ते सतगुरु जी दे उपदेश दी बरकत दे नाल ओ परमेश्वर कोलो नाम रूपी पदार्थ प्राप्त करदे ने, कहण तों भाव सतगुरु दे उपदेश ते चल के गुरु दे उपदेश दी बरकत सदका उन्हां नूं नाम दी दात मिलदी है, ओ नाम दी दात नूं प्राप्त कर लैंदे ने, ओए दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार, ओ सेवक खुद जिन्हां ने आप गुरु दे उपदेश ते चल के नाम दी दात प्राप्त कीती है, ओ फिर दाते बन जांदे ने, कहण तों भाव नाम दी दात बनदे ने, ते जीवां दे दुख कटदे ने, क्योंकि जिहड़ा आप नाम दा रसिया है, नाम जपण वाला जो आप परमेश्वर दे नाल जुड़िया है, ओही दूजिआं नूं परमेश्वर दे नाल जोड़ सकदा है। अगे कृपा कीती है, जाकै संग तरै संसार जन का, जाकै संग तरै संसार, उन्हां दी संगत करन दे नाल जगत दे जीव संसार समुंदर तो तर जांदे ने, जिन्हां नूं आप परमेश्वर कोलों नाम दी दात मिली है, जो आप नाम जप रहे ने, होरां नूं जपा रहे ने, आप जुड़े ने, होरां नूं जोड़ रहे ने, उन्हां दी संगत करन दे नाल अणगिणत संसारिक जीव ओह वी तर जांदे ने, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, इहो जे सेवकां दा जो सेवक बणदा है, जो प्रभु दे सच्चे सेवक हन, दास हन, जो उन्हां दा सेवक बणदा है, ओह वड्डे भागां वाला हुंदा है, क्योंकि जिहड़े जुड़े ने उन्हां दे नाल
जुड़िया उन्हां दी संगत कीतिया मनुख परमेश्वर दे नाल जुड़दा है। जन कै संग एक लिव लागी, क्यों? क्योंकि उन्हां दी संगत विच रहा एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल सुरत जुड़दी है, सांझ बनती है। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। प्रभु दा सेवक प्रभु दे गुण गाउंदा है। जो वाहिगुरु जी दे दास हन ओ दिन रात प्रभु दी सिफ़त सलाह करदे ने ते प्रभु दे गुण गाउंदे ने। गुर प्रसाद नानक फल पावे, हे नानक सतगुरु जी दी कृपा दे नाल ओ नाम रूफी फल प्राप्त कर लैंदे ने। जिस नूं नाम दी दात मिल गई, जिहदी वाहिगुरु दे नाल सांझ बन गई, नाम जप के ते उन्हां दा संसार ते आया सफला है। ओ अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर लैंदे ने, क्योंकि संसार ते जिस मनोरथ नूं लै के आए आ उस मनोरथ नूं प्राप्त कर लैंदे ने। आयो सुन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लाल चबिरता जन्म पुराणी। सो जापा अखीरले चार वन सोलहवीं अष्टपदी दे आपां विचारे ने, कल आपां सतारवीं अष्टपदी विचारांगे। आओ सतगुरु जी दे चरणां विच अरदास बेनती करिए, सतगुरु जी कृपा करन सानू भी नाम दी दात बख्शिश करन। विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो इहो भुलां चुका निखिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।